हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एएसओ इन सीएसएस यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज में रिक्रूट होते हैं उनकी जॉइनिंग के बारे में और एसएससी सीजीएल 2019 एंड 20 की वैकेंसी और कट ऑफ के बारे में। सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें बता देता हूँ कि सीएसएस की जो ट्रेनिंग होती है और जो भी उसका प्रोसीजर है वो सारा इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। एसएससी सीजीएल 2018 जो सीजीएल आपको पता है सीएसएस के कैंडिडेट्स रिक्रूट होते हैं, एम्प्लॉयज रिक्रूट होते हैं, उसकी जो जॉइनिंग है वो 3 मंथ्स में आती है। जिन लोगों को भी नहीं पता है, जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे फास्ट जॉइनिंग सीएसएस देता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो एएसओ डीआर यानी डायरेक्ट रिक्रूट फाउंडेशनल बैच होता है उसकी डेट आ चुकी है और ड्यूरेशन भी। तो 12 अप्रैल से 2 जुलाई तक 4-4 वीक के प्रोग्राम होते हैं। तो अभी हो सकता है 2017 के जो कुछ कैंडिडेट्स रह गए थे भारत दर्शन वगैरह की ट्रेनिंग, उनकी पेंडिंग थी, कोविड की वजह से वो पोस्टपोन कर दी थी। अब जब भी ये चालू हो सकती है तो अगर कुछ लोग जो 17 वाले बैच के रह गए उन लोगों का पहले होगा। और 31 मार्च को, जैसे कि आप सबको पता है कि एसएससी सीजीएल का जो कैलेंडर रिलीज हुआ है एसएससी का, उसमें सीजीएल की जो रिजल्ट की डेट है 2018 की वो 31 मार्च है। तो हो सकता है इसकी ट्रेनिंग जून में हो। जून से जुलाई जो 4 वीक का प्रोग्राम है वो 3 कोर्स डायरेक्टर आप देख सकते हैं अलग अलग, इनके थ्रू हो सकती है। तो सबसे फास्ट जॉइनिंग यानी आप अप्रोक्स मान सकते हैं कि जून में हो सकती है एसओ सीएसएस की। अगर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। एसओ सीएसएस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी उस वीडियो में, कैसे क्या होता है, वर्क प्रोफाइल क्या है। बाकी आपको मैं दोबारा बता देता हूँ, ये 3 ट्रेनिंग के शेड्यूल्स हैं। तो ये ट्रेनिंग जल्दी शुरू होगी रिजल्ट के 3 मंथ्स के अंदर अंदर। अब अगर हम बात करें कि एसएससी सीजीएल 2018 जो उसमें वैकेंसीज हैं वो 955 है, जैसा आप देख सकते हैं मैंने नीचे एक स्क्रीनशॉट लगाया। तो इसमें यूआर की भी आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हैं और 2019 यानी 2019 में इसकी कितनी कम है वो भी देख सकते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ जाने के चांसेस है, अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो वो 588 के अप्रोक्स जा सकती है, 590 तक, जो भी रैंक से अंदाज़ा लग रहा है, एस्टिमेट है वो ये है। बाकी 2019 सीजीएल 2019 की अगर बात करें तो उसमें 127 वैकेंसी है, कहीं सिर्फ 127। हो सकता है ये वैकेंसीज इंक्रीज हो, हमने पहले भी बताया था कि ये वैकेंसी इंक्रीज हो सकती है, इसकी बात चल रही थी। इसी DOPT ने एक लेटर लिखा था एसएससी को, पर अभी तक ये रिपोर्ट नहीं हुई। एसएससी ने अपना प्लेटफॉर्म इंक्रीज़ कर दिया वैकेंसी कलेक्शन का, तो उसके हिसाब से अगर इतनी वैकेंसी रहती है तो 630 के आसपास कट ऑफ जा सकती है। बट अगर 2018 का रिजल्ट पहले आ गया तो उससे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ सकता है, जो लोग सेलेक्ट हो जाए तो वो ये पोस्ट फिल नहीं करेंगे। और 2020 में 400 तो है ही, बाकी RTI से जो भी आता है वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो हेल्पफुल रहेगी वो शेयर की जाएगी आपके साथ इस वीडियो में और की गई है अभी तक। तो आप देख सकते हैं कि 2019 की जो है वो ऑफिशियली 50 कुछ वैकेंसीज है, 57, और 2018 की ऑलमोस्ट 10 टाइम्स हैं। तो उसका काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर, हो सकता है कम भी जाए कि जो 2018 सेलेक्टेड है वो इन पोस्ट को ना फिल करें, 2019 में अपीयर ना हो। बाकी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो ट्रेनिंग शेड्यूल हुआ था इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं इनकी PDFs को। टेलीग्राम पर भी आपके साथ शेयर की जाएगी, SSC कोर ऑफिशियल करके सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पर, और एक ग्रुप और SSC CGL 2019। बाकी मैं अकोमोडेशन वगैरह का बता देता हूँ जो ट्रेनिंग में होता है। तो आप देख सकते हैं ट्रेनिंग में ये आपको 200 रुपये पर चार्ज देना पड़ता है और स्पाउस या फैमिली मेम्बर्स अलाउड नहीं होते। बाकी आप किसी और को भी अपने साथ ना ले जाएं जब ट्रेनिंग हो तो बेटर रहेगा। इस साल देखना है कि कोविड की वजह से ट्रेनिंग ऑनलाइन तो नहीं होती, अगर ऑफलाइन रही तो यही शेड्यूल रहेगा इसी तरीके से, थोड़े और प्रिवेंशन प्रिकॉशन लिए जाएंगे। बाकी आप लोकेशन देख सकते हैं, JNU में भी होती है और तेलंगाना में भी। तो इसकी टाइमिंग क्या रहती है वो भी आप देख सकते हैं, और हॉस्टल फैसिलिटी भी है जो कि अभी बताया, और लीव क्या ग्रांट होती है, लीव इसमें नहीं मिलेगी आपको। तो वो
मैं सब कुछ आपके साथ मैंने शेयर कर दिया, चार्जेस वगैरह, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपडेट्स के लिए आप आई बटन क्लिक पर क्लिक कर सकते हैं, और CGL CHSL आप किसी भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।